दिवस मना रहा है। हम सबको गर्व है कि आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम लोग अपने इस आज़ादी को अक्षुण रखें और जो सपने हमारे क्रांतिकारियों ने देखे हैं उसको पूरा करने के लिए अपना योगदान जिस रूप में जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं, चाहे हम सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, या हम कोई भी नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, देश के लिए दो कदम हम चलने की आज संकल्प लें। सर, आज परेड में पहली बार शामिल थे, कैसा रहा परेड आज का? हाँ, बहुत मैं कह सकता हूँ कि बहुत आज गर्व का अनुभव हुआ कि आज ये लोकतंत्र है। आज दुनिया में जो सबसे भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आज उसके कारण एक सामान्य व्यक्ति को भी ये सम्मान प्राप्त हो सकता है, ये केवल भारत में देखने को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंत्री जी को सुना, उन्होंने बताया कि आज का परेड बहुत ही अच्छा रहा। एक अवसर था परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के लिए, जो पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में उन्होंने जिस तरीके से आज के इस आयोजन को सफल बनाया, उन्होंने यहाँ के लोगों को बधाई दी, देशवासियों को बधाई दिया, प्रदेशवासियों को बधाई दिया। उन्होंने कहा कि आज देश तरक्की के रास्ते पे है, देश बेहतर हो रहा है, अच्छा हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बधाई दी और ख़ास तौर पे आयोजन समिति से, यानी पुलिस लाइन परेड ग्राउंड यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड के आयोजन की सफलता पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को, पत्रकार सबको बधाई दिया। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।